दीपावली देश का सबसे बड़ा त्योहार है और दीपावली को लेकर लोगों के बीच में जो आकर्षण रहता है वो देखते ही बनता है। बाजार में खचाखच भीड़ बनी रहती है और लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, मिठाई खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। लेकिन दीपावली में खरीदारी को लेकर जो बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम कहाँ से आया? मैं अजेंद्र हूँ, वहीं देहरादून से ही। तो दिवाली की खरीदारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं? दिवाली का त्यौहार सेम है जैसे पहले था। आज के दिन पे भी मुझे सेम क्रेज दिखता है लोगों में खरीदारी का जैसे पहले दिखता था। तो मुझे कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता। तो मैम से बात करते हैं। मैम, दीपावली में जो लोग खरीदारी करते हैं, किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि पहले जैसी दिवाली बाजारों में रौनक रह गई है या किस तरीके से? नहीं, रौनक तो पूरी है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा महंगाई के वजह से थोड़ा लोग हाथ बांध के शॉपिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा खुलापन नहीं दिख रहा। मिठाइयों की दुकानों में तो है, बट जैसे फूल माला ये सब है, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा लोग हाथ तंगी है लोगों की आफ्टर कोरोना, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा महंगाई की वजह से थोड़ा धीमी हो सकती है। बट आफ्टर 2 ईयर्स जैसे कोरोना हुआ उसके बाद लोगों में थोड़ा उत्साह तो है दिवाली का। मुझे लगता तो आपको लगता है कि पहले जैसे दियो को लेकर क्रेज रहता था, अब फैंसी लाइट्स मार्केट में आ गई हैं तो उसको लेकर ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है। क्या नई चीजें हैं जो इस समय आपको मार्केट में देखने को मिल रही है? मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा कि पानी वाले दिए, जिसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के आप दिए अपने आप जल जाते हैं। वैसे मिट्टी के दिए तो बहुत बेस्ट है, बट हो सकता है कि लोगों के पास इतना तेल खरीदने के इतने पैसे ना हो। काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए वो पानी वाले दिए बड़े एक्साइटिंग लगे मुझे। मैंने भी लिए हैं, बट हाँ मुझे वो थोड़ा सा एक्साइटिंग लगा इस बार। और बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मैं सुनीता भट्ट। आपको क्या लगता है पहले के टाइम में जो दिवाली होती थी और अब के जमाने में दिवाली को लेकर क्या बाजार में आपको नई चीज लगती है, किस तरह के बदलाव आया देश के अंदर? बदलाव फैंसी चीजों में बदलाव है, बाकी तो हमारे टाइम पे तो दूसरी होती थी दिवाली। पहले मतलब दिए खरीदने, फूल पतासे खरीदने, पर अब नेचुरल वैसी चीजें आ गई, अननेचुरल। लोगों बच्चों का उत्साह है, हम लोग तो वैसे ही है पहले जैसे थे, आज भी ऐसी है। महंगाई को लेकर क्या कहते हैं? महंगाई तो अति है महंगाई, और कोविड के बाद से शायद ज्यादा हो। तो लोग चीजें कम खरीदते हैं? नहीं, खरीद अब जिन पे है थोड़ा सा करने लगा वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी थोड़ा त्यौहार बड़ा त्यौहार है इसलिए लोग पूरा ही मनाने की सोचते हैं कि हम जितना हो सके करें खर्च। कर ही रहे हैं लोग, मैक्सिमम लोग कर ही रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है दिवाली पर, क्या खरीदना चाहते हैं, कैसे मनाना चाहते हैं दिवाली? वो आज भी दिख रहा है थोड़ा सा, वो अच्छा लगता है, पर मेरे को पता नहीं है वो कैसा होता है। कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट करते हैं दिवाली? हाँ करते हैं। कैसे करते हैं? वहाँ पे हाँ एक ग्राउंड होता है प्रेसिडेंट पार्क, उस पे एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, राइड्स, फायर क्रैकर्स एंड पे होता है। बट पहले से वो राइड्स होते हैं, देन लोगों का खाना खाता है, देन उधर पे एक छोटा सा मंदिर होता है जो प्रिपेयर करते हैं। आप बताइए कैसे दिवाली मनाते हैं और क्या बदलाव आए हैं बाजार को अगर देखें? बदलाव तो इस प्रकार के हैं, सबसे पहले तो मिठाइयों में बहुत बदलाव आ रखे हैं। लोग ज्यादातर मिठाइयाँ डब्बा बंद मिठाइयाँ ले रहे हैं, मिठाई को दुकानों से खरीदारी कम हो रही है, लेकिन जो डब्बे बंद में मिठाइयाँ मिल रही हैं वो आधा किलो के डब्बे को पैकिंग बता करके उसमें 400 ग्राम मिठाई है और जो मिठाई की क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, बाज़ारों में जो है इंडियन लड़ियाँ बहुत बिक्री हैं, भारतीयों से जो बनाई गई लड़ियाँ हैं चाइनीज़ के मुकाबले इंडियन लड़ियाँ इस बार ज़्यादा बिक्री हैं। वैसे रौनक थोड़ी सी कम है क्योंकि महंगाई की मार सब पर भारी है। कोरोना काल के बाद जो है महंगाई ने इतना जंप मारा है कि हर चीज़ लेने में मुश्किल आ रही है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो खरीदारी के लिए घर से बाहर निकले हैं और बाजार खचाखच भरा पड़ा है। यहाँ पे देखते हैं सुरक्षा के भी इंतजाम है, बैरियर लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। देहरादून पुलिस जो है सुरक्षा को लेकर खासी एहतियात बरत रही है और महंगाई एक बड़ी वजह है जिसमें खरीदारी तो कम हुई है लेकिन 2 साल के बाद लोगों का दिवाली को लेकर क्रेज कम नहीं हुआ है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।